प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, भारतीय जनता पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। बीजेपी को भारत वर्ल्ड अपने नाम से मिटा देना चाहिए, उन्हें कोई अधिकार नहीं। अब उनका नाम होना चाहिए भ्रष्ट जनता पार्टी और बोम्मई सरकार का नाम बदलकर भ्रष्टासुर बोम्मई सरकार रख देना चाहिए। जिस प्रकार से, जिस बदनीयत से, दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी और बोम्मई सरकार कर्नाटक को लूट रही है, कर्नाटक में रिश्वत का बोलबाला है, चारों ओर आपके पैसे की, कर्नाटक की जनता के पैसे की लूट और खसूट मची है, उसने कर्नाटक को पूरे देश के सामने एक ऐसा भ्रष्टाचार का मॉडल भाजपा ने पेश किया है जिसके लिए भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और कोई उनके लिए बात बची नहीं इससे ज्यादा। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जाएं तो बड़े बड़े बोर्ड लगाकर देश के लोग उनका स्वागत करते हैं जिस पर लिखा होता है वेलकम टू 40% कमीशन सरकारा सीएम। पूरे हिंदुस्तान में किसी से पूछिए येदियुरप्पा जी बसवराज बोम्मई कौन है तो बोलेंगे पे सीएम। ये दुर्भाग्य हो गया है हमारा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार आज कर्नाटक की सत्ता में। और ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, ये बात कही 50,000 कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष केम्पन्ना जी और 50,000 कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40% रिश्वत मांगती है। भाजपा का सिद्धांत ही लंचा 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 बन गया है। ये बात कही संतोष पाटिल ने, जो बेलगांव से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, जिन्होंने जब काम की मेहनत मांगी तो भाजपा की सरकार ने उनसे 40% कमीशन मांगा। जब उस गरीब भाजपा के कार्यकर्ता के पास वो पैसा नहीं था तो वो आत्महत्या को मजबूर हो गया। सिद्धारमैया जी यहां बैठे हैं, मैं, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, सतीश झारकियोली जी, हम सब संतोष पाटिल के घर गए। संतोष पाटिल के परिवार ने जो हमें कहा आज वो बताना जरूरी है। संतोष पाटिल के परिवार ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय यह है कि उनके परिवार का वो सदस्य जो बीजेपी का बूथ लगाता था वो बीजेपी का सदस्य था और जब उसकी मेहनत देने की बात आई तो रिश्वत मांगकर बीजेपी ने उसकी जान ले ली। चार दिन पहले मोदी जी आए थे कर्नाटक, बेलगांव गए पर संतोष पाटिल के घर नहीं गए। आज हम पूछते हैं, जो पार्टी वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी डायन है जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल को डस लिया, ये कर्नाटक को कहा छोड़ने वाले। 40% कमीशन की बात अगर पूछनी है तो टुमकुर जाकर राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर जिसने आत्महत्या कर ली उनके परिवार से पूछिए, जिन्होंने परिवार का अकेला सदस्य खो दिया। 40% भाजपा के कमीशन की बात अगर जाननी है तो बेंगलोर के टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के घर जाइए, उनसे पूछिए
जिसने कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि 90 लाख रुपया जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया था वो सब का सब भाजपा के नेताओं ने लूट लिया। सिद्धारमैया जी, मैं, डीके शिव कुमार जी, टीएन और रामालिंगा रेड्डी जी, सब नेतागण हम उनके घर गए थे। टीएन प्रसाद जी की 37 साल की एक बेवा है, हमारी बहन है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी आंख से आंसू ज्यादा गिरते हैं, वो बोलती कम है। टीएन प्रसाद जी की एक 14 साल की बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए नहीं कि उसके मुंह में जबान नहीं है, इसलिए कि वो आज तक ये समझ नहीं पाई कि अब वो पापा या अप्पा किसको कहेगी। टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के एक 70-75 वर्ष के बूढ़े पिता भी हैं, वो कांपते ज्यादा थे और आपसे बात कम कर पाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि 75 साल की उम्र में अब वो जिंदा भी क्यों हैं जब उनका बेटा ही चला गया। बसवराज बोम्मई जी, नलिन कुमार कटेल जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज हम कहते हैं, आपके पैसे की हवस कितने पैसों से खत्म होगी? पूरे बैंगलोर, पूरे कर्नाटक के लोग हम इकट्ठे होकर आपको दे देंगे वो पैसा। आप संतोष पाटिल को, उसके पिता और पत्नी को वापस दे दीजिए, टीएन प्रसाद को लौटा दीजिए, राजेंद्र को लौटा दीजिए, हम आपके पैसे की हवस को पूरा कर देंगे। 40% कमीशन के बारे में जानना है तो 40,000 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रूपसा से पूछिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कोई प्राइवेट ग्रांट 40% रिश्वत लिए बगैर बीजेपी देती नहीं है। उसके बाद 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक आए, ना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया मोदी जी ने, ना रूपसा स्कूल एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया। 40% कमीशन की बात हमने नहीं कही, लिंगायत मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं गदक से, दिंगलेश्वर स्वामी जी, उन्होंने टेलीविजन के साथियों के सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर मठ के लिए भी ग्रांट चाहिए स्वामी जी तो आपको रिश्वत में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% रिश्वत आपको भी देनी पड़ेगी। बसवराज बोम्मई जी ने कहा हम जांच करवाएंगे। हम आज पूछते हैं कहां गई वो जांच? अब तो 6 महीने बीत गए दिंगलेश्वर स्वामी जी के बयान को, कहां गई वो जांच? कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने टुमकुर के विधायक के बारे में कहा, ऑडियो रिलीज किया, टेलीविजन ने चलाया, अखबार ने लिखा कि वो 90 लाख रुपया रिश्वत लेते। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नलिन कुमार कटील जी, येदुरप्पा जी, बसवराज बोम्मई जी, क्या आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि उनके पास 8 बीजेपी के मिनिस्टर और 17 बीजेपी के एमएलए के पैसा लेने के, रिश्वत लेने के सबूत हैं। क्या कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, क्या कर्नाटक की सरकार ने पूछा कि कौन है वो मंत्री और विधायक बीजेपी के? हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजेंगे, क्योंकि लगता है पैसे की लूट तो सब बांट रहे हैं। विस्तारा न्यूज़, निखरा जनपरा।